गुड मॉर्निंग। सपना दी गुड मॉर्निंग। सपना दी गुड मॉर्निंग। सपना दी गुड मॉर्निंग। अच्छा दी गुड मॉर्निंग। अच्छा लग रहे हो आप। ऐसा लगेगा जैसे मैं तुझे पैसे दे रखे रोज रोज। गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे। तो आज भी छुट्टी है, कोई नहीं आया कॉलेज में। एग्ज़ाम चल रहा है बच्चों का, तो बच्चे आए थे एग्ज़ाम देने के लिए। और हम लोग आए हुए हैं लैब में, ऋचा दी, सपना दी और उधर पीछे कहीं पे मनीषा दी हैं। मनीषा दी बताइए अपने लंबे बालों का राज। टैंकी के पानी में सर लगाओ। नीचे को करके बिल्कुल चिल्ड वाटर में पानी धोना है, सर धोना है बिल्कुल चिल्ड, इतना कि तुम्हारा खोपड़ा जाए जम जाए। तीन लोगों को बोल दिया आ जाना, अगर वैसे आना है तो बोलूंगी दीदी। अभी तक तो फिलहाल मैंने हल्का ही मन में सोचा। हाँ जाओ मत बोलो, कॉरेस्पॉन्डिंग होता फिर भी आप ही बनोगे मेरे पेपर के। मनीषा दी की लाइफ की रियलिटी, मैं मनीषा दी हूँ और मनीषा दी जो है वो आप समझ लीजिएगा। क्या मैं कभी स्लैब से जा पाऊंगी? बिल्कुल हेक्सागोनल से अभी नया निकाल दिया आपने। ये म्यूट थाईलैंड बोला मैंने, अभी कुछ नया बनेगा। मेरे एक और फ्रेजिशिला पड़ा है, सब एक साथ भेजेंगे, इसको साइड कर दो सपना। मन से ये इसके साथ बहुत बढ़िया। और पौधा दिखाते हैं कैसा दिखता है देखने में। पौधा ये है, ये दिख रहा है बहुत इरेगुलरली डेवलपमेंट हो रहा है इसमें। सब नहीं है जिसको मैं दिखाना चाह रही, ये है ये। अच्छा अच्छा, हां हां ऐसे दिख रहा है इसमें तो डेंटेशन। ये इकाइनेटस वाला हो सकता है क्योंकि देखा है मैंने इसका फोटो इमेज नेट पे। सपना दी हाँ नेहा क्या कर रहे हो? मैं अपना ये नया आइडेंटिटी, इतना सारा सैंपल क्यों फैला रखा है आपने? अरे मैं वो सेपरेट कर दूँ, मिक्स हो रखे एक ही साथ। एक ही पैकेट के हैं ये इतने सारे? एक पैकेट में से इतने सारे मॉस निकले हैं, बाप रे कैसे सेपरेट किया आपको? एक दिन तो पूरा सेपरेट करने में ही लगा होगा। देखो मैटजेरिया मैटजेरिया है ना, ये मैटजेरिया है ना, ये हाँ यहाँ पे मैटजेरिया भी हो सकता है, निकाल के देख लेना। टेक्सिविल्ला निकला नहीं था ना मेरा मैटजेरिया अभी तक। इसमें बहुत सही सही है यार प्लांट इस वाले उसमें। ये देखो ये प्लेजोशिला भी है। जब तक उनके स्टेम का सेक्शन नहीं कटता ना तब तक तो तुम उन्हें बता ही नहीं सकते कि ये कौन सी स्पीशीज है। इसको अलग अभी करती हूँ। जो मिड रिब है उसमें है ब्रिसल्स, मिड रिब में है ब्रिसल्स, मार्जिन पे है ब्रिसल्स और ट्यूबर्स प्रेजेंट है उसमें भी ब्रिसल्स है। सेल में नहीं है ना? सेल हर सेल में नहीं है, सिर्फ मार्जिन और सेंटर पे प्रेजेंट है। सेल में नहीं है तो मेडजेरिया हिमालियंसिस कहते हैं सर, मार्जिन और उसमें दोनों में। मेरे को फरगाटा बोला है सर ने। तो एक प्लांट जिसका मैं बहुत समय से इंतजार करी थी वो फाइनली मेरा निकल गया है, मेडजेरिया। रुको मैं दिखाती हूँ कैसे दिखता है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये है वो प्लांट जिसका मैं बहुत समय से इंतजार कर रही थी और फाइनली ये निकल गया है। अब आपको ले चलती हूँ माइक्रोस्कोप की दुनिया में।
मार्जिन, ये बॉर्डर पे दिख रहे हैं, इनको ब्रेसलेट्स बोलते हैं, मिडिल पे भी हैं ये, मिड्रिप पे, बाय द वे इसमें ट्यूबर्स भी हैं, लेट मी शो यू, इसके थ्रू इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ट्यूबर्स के थ्रू। तो अब मैं इस प्लांट की मेजरमेंट लेती हूँ और आइडेंटिफाई करती हूँ इसकी स्पीशीज। तो जीनस तो मुझे पता है मैटजेरिया है, बट स्पीशीज क्या है वो देखते हैं। इस बुक के अकॉर्डिंग दो स्पीशीज हैं, प्लांट विद स्ट्रेट ब्रिसल्स ऑल ओवर द सरफेस एंड मार्जिन। तो मेरे ब्रिसल्स जो है वो मिड्रिप में है, मेरे प्लांट के जो ब्रिसल्स है वो मिड्रिप में है और मार्जिन पे है। तो मेरा प्लांट है प्लांट विद लॉन्ग स्लेंडर हेयर्स ओनली ऑन द अंडर सर्फेस ऑफ द मिड्रिप एंड अलॉन्ग द मार्जिन, मैटजेरिया हिमालयंसिस। तो मुझे लग रहा है मैटजेरिया हिमालयंसिस। अब मेरे को मेजरमेंट लेनी है इसके साथ, अगर मेजरमेंट मैच हो जाएंगी तो हमारी जो स्पीशीज है वो कंफर्म हो जाएगी। बोलने की आजादी भी चली गई है। अच्छा देख रही हूं, अतिक्रमण देख रही हूं, 15 एमएम एनक्रॉसमेंट, 15 एमएम है मेरे प्लांट की लेंथ। अच्छा जुबान की, इसमें भी 15 एमएम दे रखी है, एग्जैक्ट प्लांट की लेंथ तो एग्जैक्ट जा रही है। तो ये है ऑक्युलर जिससे मेजरमेंट ली जाती है ब्रायोफाइट्स के सेल्स और लीव्स की। ये काम क्या है? इसका स्केल अभी दिखेगा भी नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा माइन्यूट होता है, इसको माइक्रोस्कोप में डालते हैं, जब माइक्रोस्कोप के थ्रू जब देखते हैं तभी दिख पाता है। तो मैं ले रही हूँ अभी इस प्लांट के सेल की मेजरमेंट, 7 देखो, मेरी आ रही है मीडियन सेल्स 44.4 × 7 25.9 μm, लगभग लगभग सेम है। तो मेरी मेजरमेंट और सारे कैरेक्टरिस्टिक जा रहे हैं मैटजेरिया हिमालयंसिस के साथ। तो यही है मेरी स्पीशीज आज की जो मैंने आइडेंटिफाई करी है, नोट कर लिया है मैंने। चलिए क्या चाहते हो आप मुझसे, मैंने आज एक आइडेंटिफाई कर लिया। पता है मैंने अगर दिन के 5 पैकेट करूँगी ना आइडेंटिफाई, तब जाके मेरा फैब तक होगा काम कम्प्लीट। पैक करो यार, प्लीज पैक करो। मैंने बुक्स रख दी थी। हेलो दोस्तों, तो अब हम जा रहे हैं कॉलेज से घर को और आज तो बिल्कुल धूप के दर्शन ही नहीं हुए हैं, इतना ज्यादा कोहरा लगा है ना यहाँ, बहुत ज्यादा कोहरा लगा है। अरे एक बात होते भी है, चलो जल्दी चलो घर को। तो चलिए कैसा रहा आपका आज का दिन? सो ठंडा बहुत है, इसलिए काम में मन नहीं लग रहा ठंड की वजह से। सपना दी और मंशा दी, आपका आज का दिन कैसा रहा? अच्छा था, मेरा भी अच्छा था आज का दिन। आज मैंने एक प्लांट आइडेंटिफाई किया, जिस दिन कुछ आइडेंटिफाई हो जाता है ना उस दिन अलग ही बात होती है, अच्छा लगता है उस दिन कि चलो जिस काम के लिए हम आए उस दिन वो काम हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्लांट हम आइडेंटिफाई करते हैं हफ्ते लग जाते हैं उसमें, बट वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, तो ऐसा लगता है जैसे टाइम वेस्ट हो गया हमारा। स्टार्ट कर लिया? यस। स्टार्ट नहीं हुआ है वो? हो गया है। तो देख देख देख, आंख डाल के देख ले। इस टोपी के ऊपर ही पहनूंगी हेलमेट क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है। रुको पहले मास्क पहनूं? अरे रहने दे, मास्क क्या पहनना हो रहा है? अरे मुंह में भी ठंडा लग रहा है ना मास्क से, एटलीस्ट थोड़ा ठंडा तो रुकेगा। मुझे बहुत ज्यादा ठंडा होता है यार। तो अब व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है और थैंक यू सो मच जो जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा व्लॉग देख रहे हैं, प्लीज सपोर्ट करते रहिए। और अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है व्लॉग देखने का तो ना देखें, क्योंकि हमारे पास तो जितना टाइम हम व्लॉग बना लेते हैं, हम बस अपनी डेली लाइफ दिखा रहे हैं रॉ अनफिल्टर्ड, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर्स भी इंसान होते हैं जो बाद में ऐसे बन जाते हैं कीड़े जैसे। तो चलो रिचारी बाय बोलते हैं फिर। अब लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को
और चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं नहीं।